कैंपस प्रोम च अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हाँ सरकारी पॉलीटैक्निक कॉलेज जो कि कोटकपुरा विखे स्थित है। विद्या दा अदारा यह कॉलेज जो कि बच्चों लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कॉलेज विखे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के कोर्सिज करवाए जा रहे हैं। कॉलेज विखे वक्त तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। इतों का स्टाफ बहुत ही मेहनती तजर्बेकार है। कॉलेज विखे एस सी श्रेणी के विद्यार्थियों लिए पूरी फीस माफ है। दूरों दूरों स्टूडेंट्स इतने आके पढ़ते हैं तो अपना सुनहरे भविख बनाते हैं। इतों के प्रिंसीपल सर जो कि बहुत ही मेहनती इंसान है और हमेशा ही स्टाफ और स्टूडेंट्स को गाइड करने तैयार रहते हैं। कॉलेज में बच्चों पढ़ाई के नाल नाल को करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाल भी जोड़ा जाता है। साई टीम ने प्रिंसीपल सर नाल गलबात की जिन्होंने सानू सरकारी पॉलीटैक्निक कॉलेज कोटकपुरा बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ चलते सरकारी पॉलीटैक्निक कॉलेज कोटकपुरा। सत श्री अकाल जी, मैं गगन सहदेवा, लैक्चरर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सरकारी बहुतकनीकी कॉलेज कोटकपुरा तो। जिवें कि तुसीं देख रहे हो ईसी लैब 3 हैगी है। इहदे विच जिहड़ा कम्युनिकेशन दे उपर जिहड़े एक्सपैरीमेंट है वह करवाए जाते हैं। आओ तुहानूं लैब दे विच लैके चलते हैं। आ साडे नवदीप मैम हैगे है लैक्चरर इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। आ कम्युनिकेशन लैब का जिहड़ा इंचार्ज हैगे है। तो इत्थे बच्चे की है जिहड़े प्रोजैक्ट बनाते हैं उन्होंने उपर वर्क करते हैं। जिवें कि तुसीं देख सकते हो इत्थे काफ़ी किट्स वगैरह पईआं हैगीआं जिहड़े कम्युनिकेशन दे उपर हैगे। कुछ प्रोजैक्ट है जिहड़े बच्चों ने बनाए हुए हैं जिवें आ कलैप्स विच है, कोई फायर अलार्म हैगा। आ कुछ किट्स पईआं हैगीआं जिन्हां दे उपर कम्युनिकेशन दे एक्सपैरीमेंट कराए जांदे आ। आ जिवें तुसीं अगे देखोगे आ बच्चों ने प्रोजैक्ट बनाए हुए है, कुछ ऑटोमैटिक क्रॉसिंग का तो ऑटोमैटिक पार्किंग का बनाया हुआ प्रोजैक्ट। जिहड़ा तुसीं अगे देखोगे वो वाइट वाला जो वोटिंग मशीन है बच्चों ने वह बनाई सी। इस विच माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ होया वे कि जिवें ही जिस बटन प्रेस करते हैं उस पार्टी वोट पै जाती है। गवर्नमेंट पॉलीटैक्निक कोटकपुरा दी जिवें कि तुसीं देख सकते हो बच्चे हर बच्चे नूं एक डेडिकेटली सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिथे बच्चा बैठ के आपदे सिस्टम के बारे सारा कुछ देख सकता गा, अपनी प्रैक्टिस कर सकता गा। इन्हां नूं टास्क दिते जाते हैं वख वख जिहड़े भी सबजैक्ट हैगे है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के रिलेटिड, उन्हां तो रिलेटिड जो भी टास्क हुंदा है उह तो रिलेटिड सारे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ने। तो बच्चा अपना बैठ के जदों चाहे फ्री टाइम है जदों इन्हां दा लैब टाइम है ये बैठ के अपना काम कर सकदा है। जिवें तुसीं देख सकते हो कि आ बच्चे अपना रिज्यूम बना रहे हैं, नाल दी नाल ए बच्चे अपना पीपीटी तैयार कर रहे हैं। हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरीके नाल हर तरीके दी नॉलेज ले सकदा है कंप्यूटर तो रिलेटेड। सारे सब्जेक्ट दे जिहड़े भी सॉफ्टवेयर्स ने वह ऑलरेडी इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि टाइम सेव हो सके ते बच्चों नूं कदे भी कोई भी परेशानी ना आवे। तो ये नाल नाल आपां इत्थे एक बोर्ड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जे टीचर ने कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई प्रैक्टिकल दसना है, उन्हूं इत्थे ईजीली एक्सप्लेन कर सकता है। प्रिंसिपल सर की कहना चाहोगे कि 10 महीने का टनोर है और 10 महीने के टनोर के जिस तरीके दे नाल इस कॉलेज ने बुलंदियों नूं छूया और माणयोग साढ़े विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा जी जिहड़े सोचते भी यह मेरा निजी कॉलेज है उन्होंने माइंड के है कि इस कॉलेज में मैं बहुत उपर लैके जाना और वो जिदा आप देख सकते कि उन्होंने 5 लाख रुपए की जी माली सहायता इस कॉलेज में दवाई हैगी और हमेशा उन्होंने मन च होंगे कि मैं दसो कोई काम और हमेशा मस्तदी करते हैं कि कहना चाहते पैसा। बिल्कुल तुहाडी गल जो तुसीं शब्द कहे ने सरदार कुलतार सिंह संधवा जी के वलों है इनू निजी तौर पर लिया जा रहा है। तो असी इस कॉलेज के जदों 3-8 मैं ज्वाइन किया उस तो बाद पहली असी इत कॉलेज के इंडस्ट्रियल मीट कराई 14/11/22 तो उस सरदार कुलतार संधवा जी ने पार्टीसपेट किया तो उन्होंने रहनमई हेठ हुई तो वो कुलतार संधवा जी ने कॉलेज में एप्रीशिएट करके गए ने भी इस तरह का मैं सोचा भी नहीं सी भी जो कमाल जो सरकारी अदारे ने कमाल काम करन तां वो कमाल कर सकते हैं भी वह कमाल इत्थे हुंदी दिखाई दे रही है। सर अगर आप गल कर लिए अज का जो मॉडर्न सिनेरियो है जिद बच्चों का मन बाहर दा चाहे उन्होंने बाहर भी जाना की कहना चाहोगे कि किता मुखी कोर्स जिहड़े के इस कॉलेज कराए जाते हैं जिन्हां दे नाल बच्चे स्किल्ड बच्चा बनता और उस स्किल दे नाल उस सारी जिंदगी कदे भुखा नहीं मरता गा उहदे हत्थ टैलेंट आ जाता चाहे वह घर बह के भी काम कर ले वह अपनी रोजी रोटी कमा सकता। बिल्कुल सही है जी, साडी कोशिश यही है भी विद्यार्थियों अपने हथियों काम सीखन तो करन। ये असी प्लेसमेंट जोड़ा सैल है साडा वह भी पूरा एक्टिव है वो असी प्लेस दो इस सैशन दो कैंपस इंटरव्यू करा चुके हैं
उहदे विच विद्यार्थियों नूं वधो वध नौकरी दे उपराले साडे वल्लों कीते जा रहे ने। सर अगर आपां ट्रांसपोर्टेशन दी गल कर लईए तां फरीदकोट तों सिद्धी बस जिहड़ी हैगी आ इस कॉलेज च तुहाडे यतनां दे नाल आई है और वह जी बस हैगी उहदे च बच्चों नूं आना जाना बड़ा आसान हो गया, टीचर्स नूं वी जिहड़े उत्थों दे पढ़ाउंदे सीगे की कहना चाहो? सरदार कुलतार सिंह संधवा जी का पहले ही दस चुके हैं भी उन्हों का सपना एक उन्होंने निजी तौर पर कहा भी एक कॉलेज है, मेरा अपना कॉलेज है, अपने हल्के का कॉलेज है, इन्हें बहुत वधिया बनाउणा है। तो उन्होंने ब्रदर वकील साहब ने उन्होंने हिम्मत नाल साढ़े जी एम पी आर टी सी की हिम्मत नाल असी कॉलेज में एक फरीदकोट तो लैके कॉलेज तक है बस सरकारी बस है जी मुहैया कराने कामयाब हो गए हैं। वो विद्यार्थी आते हैं तो हूँ विद्यार्थियों किसी तरह की मुश्किल नहीं आती बस स्टैंड तो, क्योंकि बस स्टैंड तो 4 to 5 किलोमीटर सफ़र पैंदा है तो विद्यार्थी ने आनंद नाल सवेरे आते हैं तो शामी उस बस से जाते हैं तो पूरा वधिया लग रहा है। और यह मेरा ख्याल है भी 25 कॉलेजों के पहला कॉलेज साडा हैगा जिथे सरकारी बस है कॉलेज के अंदर आती है तो विद्यार्थियों कॉलेज तो ही इतों ही उतार के वापस चली जाती है। सर 11 साल के करीब हो गए कॉलेज में और अलूमनी जी कॉलेज की हैगी बड़ी स्ट्रोंग हैगी बड़े वधिया वधिया बच्चे कोई फॉरन के सैट है कोई इंडिया सैट है और वह भी हमेशा यतनशील रहते भी साढ़ा पुराना कॉलेज है पुराना कॉलेज बुलंदियों सूबे और आने वाले समय जिदा तो माइंड है कि मैं कॉलेज में होर अगे लैके आना तुम हमेशा देखते रहते हो कि फंडस की जी है क्योंकि सरकारी कॉलेज हैगा कदे ध्यान नहीं इस चीज़ वाल किसी ने दिता सीगा और जिस तरीके देख बदल रहे हो लोगों अप्रीशिएट करके लोगों काउंसलिंग कर करके कि नहीं भाई ये विद्या का दानी कॉलेज है इतने बच्चों स्किल्ड कोर्स बनाए जाते हैं तुम भी साढ़े च हिस्सा पाओ और वो बड़ी मेहनत के घाल घाल के जोड़े है सेवा हो रही इतने की है जो इंडस्ट्रियल मीट हुई है सरदार कुलतार सिंह संधवा जी की रहनुमाई हेठ उस टाइम तो बाद एक इंडस्ट्रीजिस्ट असी अप्रोच करके साडे कंप्यूटर के इंचार्ज ने मैडम पनीत उन्होंने हिम्मत करके जिहड़े साडे कोले इस कॉलेज के जिन्हें भी कंप्यूटर हैगे ने वो सारे कंप्यूटर ने जिहड़े उस इंडस्ट्री वालों अपग्रेड करा दिए गए हैं। और उहदे नाल नाल आपां गल कर लईए भर्ती पाउण दी गल कर लईए शैड बनाउण दी गल कर लईए तां कॉलेज दे भी रंग रूप जदों पुराने एलमनी आउंदे आ देखदे आ कहिंदे यार आ तां कमाल ही करती साडी कोशिश पूरी है भी असी जिहड़ा इसनूं एक कोटकपुरा डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट का कॉलेज है जिहड़ा इहनूं इतिहासक बना के चलीए तां कि इत्थों पता चले विद्यार्थी ने जिहड़े पहलां लोगों नूं पता नहीं हुंदा सी भी इत्थे पॉलीटेक्निक कॉलेज है हुण मेरा ख्याल है इत्थे आड़ती एसोसीएशन ते जिहड़ियां होर भी शहर दियां लोकल एनजीओज हैगे ने जां एसोसीएशन हैगियां ने उहनां नाल मिल के साडे वल्लों पूरे उपराले कीते जा रहे ने और सानूं जे असीं तुहानूं दिखाईए तां उहनां ने वाटर कूलर वगैरह भी डोनेट कीते ने तो कंटीन वगैरह भी असी लक्कड़ है जी निजी तौर पर लैके आए हैं तो वो लक्कड़ के नाल असी छोटी जी आरजी तौर पर कंटीन भी बनाई है। उस तो अलावा शैड वगैरह भी हैगा असी जो सरकारी फंड चो खर्च कर सकते जी उहदी कोशिश की है तो जो असी डोनेशन के तौर पर लै सकते असी डोनेशन भी लैके आए जां स्टाफ मैंबरों ने भी इकट्ठे करके एक तुहानूं दिखावांगे असी कॉन्फ्रेंस हाल तैयार किया कॉन्फ्रेंस हाल इत ही फैब्रीकेट किया उसका फ्रेम उस तो बाद प्लाई बोर्ड वगैरह जो लाया वो इत ही लवाया गया उस तो अलावा वो जो ए सी वगैरह है वह साढ़े स्टाफ मैंबर ने अपनी पॉकेट के निजी तौर पर कंट्रीब्यूट करके उस लवाए ने ता कि जो विद्यार्थी बैठन उ जां होर कोई किसी तरह का कोई सैमीनार करिए उत्थे विद्यार्थियों नूं जां कितें बाहरों आए सज्जन ने उन्हां नूं पसीना नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साडे सरदार मनजीत सिंह भुल्लर जी हैड ऑफ डिपार्टमेंट ने ये यंग एज ही ने तो पूरी एनर्जी है इन्हां दे विच ते सरदार अमरजीत सिंह ने इन्हां दे विच भी पूरी एनर्जी है तो हमेशा ये तैयार रहिंदे ने जिवें उह कहिंदे हुंदे ने भी बंदा मैं 57 साल का 17 साल का वैसे लगता 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इन्हों के उहे जे ते हर टाइम एक्टिव रहिंदे ने भी चलो कम करना चलो चलिए। ये सरदार मनजीत सिंह जी भुल्लर ये तुहानूं हुण दो शब्द कहणगे। हाँ जी थैंक यू प्रिंसीपल साहब। गर्ग साहब जिस तरह प्रिंसीपल साहब ने दसिया फरीदकोट जिले का यह एको एक सरकारी पॉलीटेक्निक कॉलेज है और पिछले सालों के इस कॉलेज ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। कॉलेज की लोकेशन छोड़ी हट के होने कारण कुछ बुनियादी सहूलत कॉलेज के जिन्हों की कमी सी पर प्रिंसीपल साहब ने पिछले एक साल के
नुहार लियाती कॉलेज दे विच जिस तरह पहला मैंशन होया स्पैशल बस PRTC दी बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल होगी। उस तो बिना पानी दियां सीगियां NGOs नाल होर दानी सज्जनां नाल तालमेल करके सो कॉलेज दे विच बहुत बड़े बदलाव आए हैं जिहड़े विद्यार्थियों के इलाके के लिए बहुत चंगी गल है, विद्यार्थियों के भविख लिए बहुत सोहना उदारा है। सो मैं अपील करदा इलाके के विद्यार्थियों कि वो इस कॉलेज विच आउण, कॉलेज नू देखण, कॉलेज दियां सहूलतां तकनीकी सहूलतां स्टाफ नू देखण और इत्थे दाखला लैके अपना भविख कमा सवारन। थैंक यू जी। जिहड़े दो कोर्स चल रहे हैं, एक इलैक्ट्रॉनिक्स का कम्यूनीकेशन कम्यूनीकेशन का, दूसरा कंप्यूटर साइंस का है। इलैक्ट्रॉनिक्स के साडे कोल 30 सीट्स ने गियां ते कंप्यूटर साइंस के साडे कोल 60 सीटा हैगियां ने और एडमिशन साडी रजिस्ट्रेशन चल रही है और इस करके जिहड़े बच्चे हैगे आ साडे कोल आने चाहिए एडमिशन लो दाखला लो साडे कोल। राइट, ये दसवीं के बच्चे आ रहे साडे कोल जी, तो प्लस टू के बच्चे भी साढ़े को आ रहे दाखला लेने वास्ते जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉलेज जरूर विजिट करो साढ़े को। और इस तो बिना असी साढ़े स्पोर्ट्स हुई सी जी, उस कॉलेज की टीम है जी कबड्डी की टीम है पंजाब के गोल्ड मैडल लेके आई है, वो भी प्रिंसीपल सर की अगवाई पहली बार टीम भेजी सी असी।